साबा के सरहदी इलाके से जंग आलूद एंटी टैंक माइन बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने एंटी टैंक माइन को किया तबाह। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस लीडर जयराम रमेश को भेजा हद की इज्जत का कानूनी नोटिस। 2 करोड़ रुपए हर्जाने और फौजदारी कार्रवाई की मांग। जयराम रमेश पर गुलाम नबी आजाद के खिलाफ काबिल एतराज अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम। श्रीनगर में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ पीडीपी का एहतजाज। कहा प्रॉपर्टी टैक्स पर हुकूमत का बयान गैर जिम्मेदाराना। पीडीपी के मरकजी तर्जुमान सुहेल बुखारी का बयान। जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स ऑर्डर के खिलाफ पीडीपी की दस्तखती मुहिम। प्रॉपर्टी टैक्स ऑर्डर के खिलाफ आम लोगों में बेदारी पैदा करना एहतजाज का मकसद। प्रॉपर्टी टैक्स है एक प्रोग्रेसिव टैक्स, इससे खिदमत आएंगी बेहतरी। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर वीके भिदौरी का बयान। दिल्ली में जीकेपीडी का 2 रोजा कॉन्क्लेव आज से शुरू। कई नामवर शख्सियात कर रही हैं शिरकत। सदगुरु ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब। आर्टिकल 370 की मनसूखे को करार दिया एक बड़ा कदम। मेरठ में जेर तामीर कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से जिला उधमपुर के 5 अफराद की मौत। इलाके में गम की लहर। महलकीन के अरकान खानदान से लोग कर रहे हैं इजहार ताज़िया। बालुई पंचायत के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अमले की कमी। स्टाफ की कमी से मरीजों की देखभाल मुतासर होने का इल्जाम। आम बीमारियों के लिए मरीजों को मेंढर या पुंछ किया जा रहा है मुंतकिल।